की सरकार ने हफ्ते भर में टैक्स कटौती के प्लान पर ले लिया है यू टर्न नेता बदलते हैं सरकार बदलती है और सरकार बदलने के बाद फिर से नेता बदलते क्या हैं क्या इवेंटफुल हफ्ता रहा है सर कितने एक हफ्ते में तो वापस लिया आए कल उन्होंने इंटरव्यू दिया था बीबीसी को के प्राइम मिनिस्टर है ऑनर उन्होंने कहा टी एबसेंट है ट्रस्ट में ट्रस्ट से किए टी आगे नहीं लगाया हाँ भरोसा हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, तो नहीं बिल्कुल मतलब उनके नाम का मतलब भरोसा हाँ, नहीं है अच्छा हाँ, है। तो क्या किया कल इंटरव्यू दिया था कि हम इस प्लान पर वापस नहीं जाएंगे हम बने रहेंगे आज वापस ले लिया बताओ कुशील जी कब कब क्या क्या किया है क्यों किया और करने के पीछे क्या सब कुछ जो जो आपको पता है सब बता दो सर यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते 23 सितंबर को इनकी तरफ से मिनी बजट आता हुआ दिखा था उसके बाद इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं काफी चिंतित हो गए थे क्योंकि जिस तरह से ये ऐलान कर रहे थे ओवरऑल टैक्स कट्स आ, का वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें पैदा कर रहा था निवेशकों के लिए कि इकोनॉमी वाइज उतनी ऑलरेडी स्ट्रेंथ नहीं है और उसके बाद आप ये सब पैकेज अनाउंस कर रहे हैं तो वो एक बड़ा कहीं ना कहीं कंसर्न बना हुआ था इनफैक्ट यूके के जो वित्त मंत्री है क्वार्टिंग साहब उन्होंने तेईस सितंबर को यह ऐलान किया था कि डेढ़ लाख पाउंड प्रति वर्ष से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर जो पैंतालीस टैक्स हटाने का स्ताव था वह इन्होंने कल वापस ले लिया था तो डेफिनेटली इस वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट आया था पाउंड की ओवरऑल करेंसी में भी क्योंकि जब 23 सितंबर को यह ऐलान किया गया था तो उसके बाद 26 तारीख को रिकॉर्ड निचले स्तरों पर यूके पाउंड फिसलता हुआ दिखा था और ऑलमोस्ट ये 54 फोर परसेंट प्रॉबिलिटी हो गई थी कि डॉलर और पाउंड की पैरिटी हो जाएगी इनफैक्ट वन के रिकॉर्ड निचले स्तर इसने बनाए थे जबकि अनाउंसमेंट के पहले जो वन डॉलर था वो वन हो गया था बट आज बहुत बढ़िया रिबाउंड हमें देखने को मिला इनफैक्ट यूके के पाउंड में जिस तरह का तेज उछाल देखने को मिला वो प्री पॉलिसी जिस तरह के लेवल्स थे वो फिर से उस पर अब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यू -टर्न लिया गया, उस वजह से पाउंड में जो गिरावट हुई थी वो फिर से सेम लेवल पर आ गई तो नहीं काटा जाएगा यही ना अब टैक्स नहीं काटा जाएगा तो जो लग रहा है लगेगा ही लगेगा हाँ अब तो पहले मतलब अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने ही जाना है या तो मतलब गवर्नमेंट के पैसे लगे या फिर कंपनियों के लगे तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कंपनियों के लगे तो ज्यादा बेहतर ओह बड़ा मामला सीरियस है यूके का तो यूके आज मार्केट कैसे है जरा दिखाइए फुटसी एक बार जरा देखते हैं ए, एक आध परसेंट तो नीचे होना चाहिए इतनी ऐसी खबर आई है तो यूरोप के बाजार बाकी भी दिखाइए हाँ देखो ना कहाँ है फुटसी का पौन एक परसेंट नीचे है बराबर है ठीक बात है बाकी कैक सवा परसेंट नीचे है डैक्स पौन से एक परसेंट नीचे तो कमजोरी तो है ही क्रेडिट फीस <laughs> हाँ क्रेडिट फीस का भी तो मामला है दोनों ही दोनों सारी दीप ये अपने बात कब से कर रहे हैं पिछले छह महीने से हाँ, चार महीने हाँ. हाँ की आएगी तो यूरोप प्रॉब्लम का एपिक सेंटर यूरोप ही है यूरोप ही है यूरोप पर इतनी बड़ी हाँ, कंट्री ख़राब बैंक बैंक भी वहीं का है बैंक, तीन नहीं हाँ, और वो भी वहीं का है क्रेडिट भी भगवान ना करे कोई डूबे करे भाई हम जाते भी नहीं है हम तो जाते यूरोप की भी समस्याएं निपट जाए जैसे करके लेकिन निपटे तब तो ना ये दिक्कत है निपटने का नाम बिल्कुल यूरोप की सिचुएशन है खराब इस समय बट